हजारों लोग बियर्ड जर्नी स्टार्ट किए दाढ़ी उगाने के लिए, लेकिन उनमें से कई लोगों को बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। लेकिन उनमें से कई बंदे बेचारे होते हैं जो कि यार मुसीबतें उन्हें घेर लेती है। दिक्कतें क्या होती है, जैसे वो लोग अपने बियर्ड को ट्रिम या शेव करते हैं भाई, उनके बियर्ड में रुकावट पैदा हो जाती है। ठीक है, रुकावट क्यों पैदा होती है, आप लोग कौन सा गलती करते हो, किस तरीके से तुम शेव करते हो, ट्रिम करते हो, तो दोस्त तुम्हें ये गलती नहीं करना। जरा तुम चेकआउट करना, क्या मैं सही तरीके से ट्रिम या शेव करूं या नहीं, क्या है सही जानकारी, मैं तुम्हें बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप लोग जो बियर्ड देख रहे हो ना, बियर्ड पूरी तरीके से ट्रिम कर लिया गया है और इनके बियर्ड भी वापस आ रहे हैं। ओके, तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो भाई लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं व्हाट्सएप ओपन कर लिया हूं और ये जो रिजल्ट है 3 महीने 10 दिन का ये रिजल्ट है। और देखो भाई इनके जो बियर्ड है ना, ट्रिम करने के बाद वापस भी आ चुके, जो कि भाई जब बियर्ड इनके वापस आए तो बियर्ड की लुक और अच्छी होगी। आप लोग यहां पर देख सकते हो बियर्ड भी इनके टर्मिनल दिख रहे हैं, लेकिन भाई उतने टर्मिनल नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सभी इमेज मैच करा देता हूं, जितना रिजल्ट है मैं आपको मैच करा देता हूं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रिम या शेव करने के बाद अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग शेव ट्रिम करते हैं दोस्त, उनके बियर्ड वापस नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन भाई बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो भाई समय बचाना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर देख लो भाई इनके जो मुस्टेज में गैप दिख रही है ना, यहां पर कुछ छोटे छोटे बाल है, तो भाई टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, ग्रो हो जाएंगे। ओके, और ये रिजल्ट भाई 99 दिन का है, 3 महीने 10 दिन मानकर चलो। अभी मैं जब आपको लाइव चैट दिखाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो दोस्त, बहुत से लोग यार एबियन 400 यूज़ करते हैं, उसके बाद डर्मा रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम्हें एबियन 400 कोकोनट ऑयल के साथ डर्मा रोलर इस्तेमाल नहीं करना है, इनके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर तुम यूज करोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई डर्मा रोलर के साथ तुम्हें एबियन 400 यूज़ नहीं करना है, तुम्हें सुबह में सिर्फ एबियन 400 यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर देख लो भाई यहाँ पर भी गैप बनी है, तो भाई यहाँ पर फोलिकल से दिखाई दे रहे हैं लेकिन बियर्ड इनके आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर आप लोग देखिए बियर्ड पूरी तरीके से ट्रिम कर लिया गया है, यहाँ पर बियर्ड फॉलिकल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्लीन मैं करता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं पूरा जूम कर लिया हूँ, यहाँ पर बियर्ड इनके ट्रिम कर लिए गए हैं लेकिन भाई इनके बियर्ड कितने दिन वापस आए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई गर्दन के नीचे भी इनके पहले गैप थे लेकिन अब गैप नहीं है। ओके, चलिए मैं आपको दूसरा इमेज दिखाता हूँ। ओके, तो एक मिनट, अब यहाँ पर देखो भाई इस साइड का, दोनों साइड का मैं आपको दिखा दिया हूँ, आप लोग थोड़ा चेकआउट करना, कहीं पर भी गैप रहेगा तो भाई ज़रूर बताना मुझे। ओके, और भी लोगों को पता चलेगा, ये तो मैं आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पर देख लो भाई ने क्या बताया है, तो भाई यहाँ पर देख लो ट्रिम करने के बाद लग रहा था आएगा, पहले नहीं था। तो दोस्तों इनको क्या लग रहा था, ट्रिम करने के बाद पता नहीं मेरी बियर्ड आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा इनके माइंड में थॉट चल रहे थे, ऐसे ये सोच रहे थे पता नहीं मेरी बियर्ड ट्रिम करने के बाद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन भाई बिना दिक्कतों के इनके बियर्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लो भाई यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके फॉलिकल्स है जहाँ पर गैप है, अगर वहाँ पर फॉलिकल्स है तो भाई तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बियर्ड वापस आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लो मुस्टैच में भी गैप है, तो मैं आपको एक इमेज और दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई इनके सभी के सभी बियर्ड ट्रिम करने के बाद वापस आ चुके हैं। ओके, तो देखो भाई ये बंदा जो है ना फुल किट यूज किया था, बहुत से लोग फुल किट का मतलब नहीं समझते। देखो दोस्त, अगर तुम बियर्ड जर्नी स्टार्ट किया ना तो भाई तुम्हें बायोटिन डर्मा रोलर एवियन 400 बियर्ड शैम्पू यूज करना चाहिए, फुल किट इसे कहते हैं, और फुल किट यूज करने से तुम्हें फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और इमेज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, ये सब मैं आपको इमेज ऑलरेडी दिखा चुका हूँ लेकिन ये दूसरा अपडेट था। ठीक है, यहाँ पर इनके बियर्ड कुछ पतले हैं, ये पहले की रिजल्ट है, थोड़ा कंपेयर करना। ठीक, यहाँ पर पतले बियर्ड हैं लेकिन भाई डेंसिटी में कोई शिकायत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरी बियर्ड घना नहीं आ रही है, तो भाई देखो तुम्हें सबसे पहले चेकआउट करना है मेरे को कितना दिन हो चुका, अगर तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो भाई बहुत से लोग बियर्ड विटलाइजर यूज़ करते हैं, जिनके बियर्ड में कुछ कमी रहती है तो भाई तुम बियर्ड विटलाइजर करना, सारी कमियाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर देख लो एक मिनट, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मुझे भी अपनी बियर्ड ग्रो करनी है, मेरी भी हेल्प कीजिए प्लीज़ सर। तो देखो दोस्तों तुम लोग मुझे सर मत बोलो, मेरा नाम अबरार है, नाम रख कर भी बुला सकते हो, ब्रो भी कह सकते हो, भाई भी कह सकते हो। यार देखो मैं अभी उतना ऊपर नहीं गया हूँ, मेरा जो है लेवल ना उतना अभी हाई नहीं है, तो यार सर मत बोलो प्लीज़। तो चलिए यहाँ पर देख लो भाई ये स्टार्टिंग की इमेज है, तो भाई देख लो सामने की जो बियर्ड है मुस्टेज भी यार अभी उतने टर्मिनल नहीं है, साइड साइड में पतले बियर्ड है। ठीक है, और इस बंदे को ड्राइनेस हुआ था स्टार्टिंग में, और किसी किसी को भाई लास्ट में ड्राइनेस होती है। तो भाई यहाँ पर देख लो इनके बियर्ड पूरे के पूरे बियर्ड नहीं है, कहीं कहीं पर मोटे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं कहीं पर बहुत पतले हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों चेकआउट कर लो, इस बंदे ने मिनोक्सिडिल लगाया लेकिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है स्किन में। देखो भाई तुम लोग मिनोक्सिडिल लगाते हो ना, तो मिनोक्सिडिल लगाने के बाद तुम लोग नॉर्मल फैन चालू कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। देखो अगर नेचुरल तरीके से तुम्हारे मिनोक्सिडिल सूखते हैं ना तो दोस्त अच्छे से वर्क करेंगे, अगर तुम जबरदस्ती सुखाओगे तो भाई दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लो ये पहले इनके बियर्ड यहाँ पर नहीं थे, गर्दन के नीचे आप लोग देख लीजिए कहीं कहीं पर बियर्ड दिखाई दे रही है, अभी स्किन खाली है। तो भाई ये स्टार्टिंग की इमेज है, और जहाँ पर बियर्ड आ चुकी है, जहाँ पर गैप था, तो मैं आपको ऑलरेडी रिजल्ट दिखा दिया हूँ, वहाँ पर बियर्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप सामने से
अगर मैं बियर्ड की लुक बताऊं तो भाई बियर्ड ग्रो हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइनेस इन्हें हुआ था। और देखो भाई लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से चेकआउट वगैरह कर लेना, प्रोडक्ट देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पतले पतले बाल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेंसिटी बहुत ही गजब है। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इस साइड में भी बियर्ड वही है। ओके, देख लो, अब यहाँ पर इन्होंने अपने बियर्ड को ट्रिम कर लिया है। ट्रिम करने के बाद इनके बियर्ड लगभग एक हफ्ते में यार बड़े बड़े हो गए थे। ठीक, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन आंसर। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये देख लो आप, ये मेरी नेचुरल है और ग्रो नहीं हो रही है कहीं पर भी। तो देखो दोस्त, अगर तुम्हारी बियर्ड कुछ नेचुरल है, तुम मिनोक्सिडिल लगाओ तो यार दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन बहुत से बंदे मिनोक्सिडिल यूज़ करने के बाद भी उनके बियर्ड ग्रो नहीं होते। क्यों ग्रो नहीं होते हैं? देखो भाई, मैं बहुत से लोगों से पूछा हूँ, भाई तुम जर्नी तो स्टार्ट कर लो, लेकिन ये बताओ गैप कितना करते हो महीने में? बहुत से लोग बोलते हैं भाई काम वगैरह पड़ जाते हैं तो यार जर्नी हमें स्टॉप करने पड़ती है, जैसे कि महीने में 4 दिन 5 दिन। कोई कोई बोलता है भाई मेरा तो 8 दिन गैप हुआ है। तो दोस्त ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, गैप करोगे तो दोस्त तुम्हें लेट से रिजल्ट मिलेंगे। देखो अगर तुम चाहो तो स्टार्टिंग से मार्स का मिनोक्सिडिल और रोलर यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास बजट है तो फुल किट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखो वीडियो दे रहा हूँ, अब मेरा बाल दिखाई देगा, ज़रूर बताना भाई प्लीज़। तो यार देखो, इनका ऑलरेडी मैं पहला अपडेट दे दिया हूँ, और ये था दूसरा अपडेट जो कि बहुत से लोग शिकायत करते थे, भाई ट्रिम करने के बाद मेरी बियर्ड नहीं आ रही है। आ रही है लेकिन थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूँ, सबसे पहले तो तुम्हें जर्नी में सेव नहीं करना बियर्ड, एक बार सेव करना जर्नी स्टार्ट करने से पहले। फिर तुम्हें कब सेव करना है? जब तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारे बियर्ड टर्मिनल हो जाएंगे, सेव करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और तुम्हें यार ट्रिम करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं ट्रिम करने के बाद भी मेरी बियर्ड नहीं आ रही है। देखो दोस्त, मैं तुम्हें बता दूँ ट्रिम करने से क्या होता है। ट्रिम जब करोगे ना, तो तुम्हारे जो बियर्ड होते हैं ना, पतले पतले बाल जड़ से नहीं निकलेंगे। अगर तुम वहाँ पर सेव कर लोगे ना, तो भाई चांस रहते हैं जड़ से निकलने के लिए। ठीक है, और देखो जब जड़ से निकलेंगे ना, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, सेविंग एक हार्ड प्रोसेस है। ओके, तो दोस्त इसे बिल्कुल इग्नोर करना। तुम्हारे बियर्ड 2-3 महीने में आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग होते हैं तो तुम उन्हें ट्रिम कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मुझे लेट से रिजल्ट मिल रहा है, तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई ट्रिम करने से कोई दिक्कत नहीं होती, तुम्हारे बियर्ड वापस आ जाएंगे। हज़ारों लोगों को ये प्रॉब्लम है, ट्रिम करने के बाद बोलते हैं भाई पहले तो मेरे बियर्ड नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने 10-15 दिन तक वेट किया, मेरे बियर्ड आ चुके, मैं तो स्टार्टिंग में डर गया था। ठीक है, तो यार देखो कुछ कुछ दिक्कतें होती है, तो भाई उन्हें बिल्कुल इग्नोर करना। ओके, अब यहाँ पर देखो ये बंदा क्या बोल रहा है, भैया आपकी वीडियो देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, रोज़ देखता हूँ मैं वीडियो, आज डाली नहीं आपने। तो दोस्तों देखो यार, मैं 2-3 दिन से थोड़ा गैप मार रहा हूँ, मेरे को थोड़ा काम पड़ जा रहा ना, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है, तो मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और देखो भाई आप लोग मिनोक्सिडिल वगैरह ऑर्डर करते हो ना, तो थोड़ा वेट करना, किसी किसी को बहुत जल्द रिसीव हो जा रहा है, किसी को भाई 15-20 दिन तक वेट करना पड़ रहा है, और किसी किसी का भाई ऑटोमेटिक कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा ना, कॉमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरे को पता चले और लोगों को भी पता चले। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कंप्लेंट किया हूँ, तो दोस्त फिक्स हो जाएंगे प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो तुम्हें यार देखो ट्रिम सेव करने से पहले वीडियो एक बार देख लेना, मैं कई वीडियो बनाया हूँ, तो दोस्त आप लोग वीडियो देखना, ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। ओके, अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दोस्त थोड़ा जल्दबाजी मत करना, थोड़ा इंतज़ार करना। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं तुम्हारा आंसर दे सकूं। इंस्टा और व्हाट्सअप पर अगर तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा वेट कर लेना, वहाँ पर भी तुम्हें आंसर दे दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो भाई लाइक करना, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया बाय।